हेलो स्टूडेंट्स, 11th क्लास चैप्टर सेट्स एनसीईआरटी का एक एग्जांपल है। एक कॉलेज अवार्डेड 38 मेडल्स इन फुटबॉल, 15 इन बास्केटबॉल एंड 20 इन क्रिकेट। और ये मेडल टोटल 58% है जिनको मैं ये डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। और ये भी गिवन है कि ओनली 3 गोट मेडल इन ऑल द 3 स्पोर्ट्स, इनमें से केवल 3 है जिनको तीनों स्पोर्ट्स में मेडल मिलता है। तो आपको बताना है हाउ मैनी रिसीव मेडल इन एग्जैक्टली 2 ऑफ द 3 स्पोर्ट। ऐसे कितने लोग हैं जिनको एग्जैक्टली 2 में मिलता है। ठीक है, तो क्या करेंगे? सबसे पहले हम काम करते हैं, लेट कर लेते हैं कि ए हमने मान लिया फुटबॉल को। हम पहला लेटर भी ले सकते थे एफ भी, लेकिन ए बी सी से थोड़ा सही रहता है। बास्केटबॉल हो गया हमारा बी, और सी हो गया हमारा क्रिकेट। तो हम देखते हैं क्या डाटा गिवन है। एन ए कितना है हमारे पास, 38, एन बी 15, एन सी 20, और टोटल है हमारे पास 58। तीन ऐसे हैं जिनको सभी में मिलता है, तो ये हो गया हमारा इंटरसेक्ट। तो ये इतना डाटा गिवन हमारे पास, और हमें निकालना है कि ऐसे कितने पर्सन हैं जिनको एग्जैक्टली 2 में मिलता है, बस 2 में मिलता है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है हमारे पास, ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू दिस। ये प्लस होता है ना, अब इसमें से हम जो जो वैल्यू हमें पता है पुट कर देते हैं। 58, 38, 15, 20 प्लस 3, ये तीनों ही हमें नहीं पता। तो इन तीनों को एक साइड कर लेते हैं, कितना आ गया 53, 73 और 76 माइनस 58। आ गया हमारा 8। तो ये हमारा है ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी, सी इंटरसेक्शन ए। लेकिन हमें निकालना है एग्जैक्टली 2। अब एग्जैक्टली 2 के लिए फॉर्मूला क्या होगा वो हम वेन डायग्राम से निकालेंगे। तीन सर्कल है, इसमें हम ले लेते हैं ए बी सी डी ई एफ जी। ये ए हो गया फुटबॉल के लिए, ये बास्केटबॉल के लिए, और ये क्रिकेट के लिए। अब एग्जैक्टली 2 का मतलब हमें क्या फाइंड करना है, बी डी एफ, बी डी एफ है ना। तो आप देखो इंटरसेक्शन बी हमारा कितना है, बी प्लस ई। बी इंटरसेक्शन सी कितना है, ई प्लस एफ। सी इंटरसेक्शन ए कितना है, डी प्लस ई इक्वल टू 18। तो इसमें से बी डी एफ
को हम साइड में कर लेते हैं, तो 18 माइनस 3 ई की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब ये मैंने आपको बता दिया कैसे कैसे आया, और चलो पहले ये लिख देते हैं, तो ये कितना आ गया 18 माइनस 3 × 3 यानी 9। तो पर्सन गेटिंग मेडल एग्जैक्टली इन टू स्पोर्ट्स इक्वल टू 9। तो हम वेन डायग्राम से दिखा सकते हैं सब कुछ सही है, लेकिन इसका फॉर्मूला भी आप याद रख सकते हो जो मैंने ऊपर बना के बता दिया है। अगर कभी आता है एग्जैक्टली टू आता है तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या हो गया, बीडीएफ के लिए 18 क्या था हमारे पास, 18 क्या था ये, तो हम ये डायरेक्ट फॉर्मूला भी याद रख सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी, सी इंटरसेक्शन ए माइनस 3 times ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो ये हमारा अगर किसी क्वेश्चन में हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना चाहें तो एग्जैक्टली टू के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला होगा। जैसे मैंने पीछे बताया था एग्जैक्टली 1, पीछे मेरी वीडियो में एग्जैक्टली 1 के लिए क्या बताया था हमने, याद है सभी को, होना चाहिए, नहीं तो वहां से देख सकते हो आप, उसके लिए हमने ये बताया था कितना होता है ये 2 ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी, सी इंटरसेक्शन ए प्लस 3 times ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये दो फॉर्मूले याद भी रख सकते हैं। और मैंने आपको दोनों तरीके से बता दिया कि वेन डायग्राम से हमने कैसे निकाला है और डायरेक्ट फॉर्मुलेशन कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा सभी को, थैंक यू वेरी मच।